साइन सी प्लस साइन डी का, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड देखिएगा साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। थर्ड कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फोर्थ फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी ये क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहां बाहर बस एक माइनस साइन लगा देंगे, बस ये अंतर होता है इसमें, यहां बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे। साइन सी प्लस साइन डी का ये फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इन फॉर्मूलों में आप ये देखेंगे कि एक कॉमन पैटर्न क्या है, सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू चारों में है, ठीक। उसके बाद सी माइनस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू चारों में है, और फिर यहाँ पर साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, इस तरह से। बस ये लास्ट वाला जो है ये थोड़ा ऐसे ही अजीब है, लास्ट वाला थोड़ा सा अजीब होता है, ऐसे करके दिमाग में कुछ भी लिखा देना, फिर लास्ट वाले में माइनस लगा देना बाहर, ठीक है, बस ये काम करते हैं। तो एक सेट फॉर्मूलों का ये हो गया, उसके बाद चार का एक सेट और है, वो जस्ट इसका उल्टा है। उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर साइन और कॉस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ साइन और साइन ऐड हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई वाला अगर मुझे दे रखा और उसको एडिशन वाले में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो पांचवा देखें, पांचवा जो है वो इस तरीके से आएगा कि टू साइन ए कॉस बी, अगर टू साइन ए कॉस बी है तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या बन गया, एक तरह से सी साइन सी प्लस साइन डी, ये बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहां से एक चीज मुझे समझ में आ जाती है कि सी जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है, ऐसे ही डी जो है वो ए माइनस बी के इक्वल है। तो अगर आप ये देखिएगा कि अगर मैं सिर्फ इस चीज को भी याद कर लूं, तो ये जो चार फॉर्मूले हैं, इन चार फॉर्मूलों से अगले चार फॉर्मूले बनाने मेरे लिए बेहद आसान है। कैसे, ए प्लस बी क्या है, सी, ए प्लस बी क्या है, सी, और ए माइनस बी क्या है, डी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप भूल जाएं तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह अगर सॉल्व करें तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस ए क्या हो गया, टू ए। तो और यहाँ मतलब मैं बेसिकली ऐड कर रहा हूँ इनको, तो ए प्लस ए टू ए, सी प्लस डी तो सी प्लस डी होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, सी प्लस डी बाई टू। इसी तरीके से आप ए की इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी डालकर बी की वैल्यू निकाल लो। तो मान लो मैं ए की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ, तो सी प्लस डी बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू सी। मैंने क्या करा, मैंने पहली इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी माइनस सी प्लस डी अपॉन टू। एलसीएम लेंगे तो टू इंटू सी क्या हो गया, टू सी, तो टू सी माइनस सी माइनस डी अपॉन टू, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, टू सी माइनस सी क्या होगा, सी सी माइनस डी अपॉन टू। यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई, सी माइनस डी अपॉन टू। तो अब आप ये देखो कि हमने कहा ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, सी, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी, डी, is equal to 2 sin c plus d by 2, तो c plus d by 2 का मतलब क्या, 2 sin a, c minus d by 2 मतलब cos b, तो 2 sin a cos b, ठीक है, बस ये है। आप कुछ भी ये, अब जो मैं अगले फॉर्मूले कह रहा हूँ वो नए नहीं है, वो इन्हीं से बने हैं, वो इन्हीं चारों से बने हैं। तो सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ में क्या करूँगा, यहाँ पर 2 cos c plus d by 2
ये आपके पास भी आता है क्या? आपके पास अगर नहीं तो आप ये रिकॉर्ड रख सकते। पता नहीं मेरे पास ही इतने सारे क्यों आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, मेरे को रात में 12 बजे भी आ जाता है ये वाला फोन। पता नहीं क्या आप लोगों के पास भी आते हैं क्या? मैं ब्लॉक कर करके रिपोर्ट कर करके दुखी हो चुका हूँ। मुझे लग रहा है ये लोन वोन वाले जो फ़ोन होते हैं ना, मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स मेरा नंबर दे देते होंगे, यहाँ कर लो इसको ज़रूरत है लोन की। हमेशा अब तो फिर भी ये अलग कर लिया है, जब ये कनेक्ट रहता था फोन यहाँ पर तब तो बहुत परेशान करते थे। चलिए अब जैसे यहाँ पर है अगला, तो टू कॉस सी प्लस डी माइनस, यानी कि टू कॉस है साइन बी, तो टू कॉस है साइन बी। अब सी क्या है ए प्लस बी और डी क्या है ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अरे समझ में आ रहा है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं? यस सर। चलिए ठीक है, सेवंथ सेवंथ देखिएगा फिर यही पर, सी प्लस डी बाई टू मतलब ए, सी माइनस डी बाई टू मतलब बी, तो टू कॉस, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस सॉरी प्लस कॉस ए माइनस बी। एट टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, लेकिन इसके बाहर आप क्या करेंगे माइनस साइन लगा देंगे बस। इसको कैसे भी कर लो, चाहे तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कर लो ठीक है, और चाहे फिर ऐसे लिख कर बाहर माइनस का साइन लगा दो, जैसे यहाँ लास्ट वाले में बाहर माइनस लगाया था, ये करना है बस ठीक है। ये करने के बाद में अब ये सारे फॉर्मूलों का तो देखिए शुद्ध शब्दों में रट्टा लगना चाहिए, और इसके बाद आप अब एग्जाम्पल्स पर आइए। तो मैं पेज नंबर 70 पर देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 10। ये जो लॉजिक यहाँ लिखा था ये लिखा रहा है, मुझे मिटा दो इसको, नोट करना है, नोट करना है कर लो। मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, पेज नंबर 70 एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 में है प्रूव दैट साइन 3 साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई सी पाई बाई 6 साइन पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये चीज प्रूव करनी है। अब आप ये देखिएगा कि ये जैसे पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है, पाई पाई बाई 6, पाई बाई 4, इन सब की वैल्यूज जो है वो पहले मैं डिग्रीज में लिख लेता हूँ। डिग्रीज में लिखने के बाद में ये नोट कर लिया आगे बता हो गया। तो ये सारी वैल्यूज जो है अब मैं डिग्रीज में लिख लेता हूँ, डिग्रीज में लिखने के बाद फिर ये बस वैल्यू ही डालनी है, रिजल्ट आपका 1 के बराबर प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, देखिएगा मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर चलूं, LHS 3 साइन 5 बाई 6 मतलब 30 डिग्री मल्टीप्लाई करी sec 5 बाई 3, 5 बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री 3 साइन 30 डिग्री sec 60 डिग्री ये हो गया। अच्छा माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा 5 इंटू 30 डिग्री, क्यों
क्योंकि पाई बाई सिक्स क्या होता है 180 अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो और ये और फिर कॉट पाई बाई 4 का मतलब कॉट 45 डिग्रीज। अब 3 साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, sec 60 का मतलब cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारा cos 60 भी 1/2 होता है और sec 60 का मतलब हो गया उसका रेसिप्रोकल मतलब 2। अच्छा माइनस 4 साइन 150 डिग्री इंटू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 माइनस 4 इंटू, अब साइन 150 का मतलब होगा बेटा साइन 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, ठीक है 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड करेंगे तो वी आर मूविंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो 3 माइनस 4 अब इसको करेंगे सॉल्व तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दो। फिर 90 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया 1 है, ऑड नंबर, ऑड का मतलब साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और 60 डिग्री एज इट इज, ठीक है। तो 3 माइनस 4 और cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 2 2 जा 4 क्या बचा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है चलिए इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 10 के बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। मुझे 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे भाई, हमें साइन ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले पता है। मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, अगर 45 माइनस 30 लिखेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 अगेन ये भी होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो ये हो गया √3/√2 माइनस 1/√2। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज एड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो √3-1/√2 इज इक्वल टू RHS। सॉरी ये प्रूव नहीं करना था, फाइंड नहीं करना था, ये हमारे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई तीनों बच्चे बताएं दीपांशी हर्षिता शुभांगी। यस सर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं फिर एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 13 पाई बाई 12 की। तो आप इसको कन्वर्ट करें डिग्रीज में कैसे होगा, पाई की जगह डाल दो 180 तो 13 इंटू 180 अपॉन 12 तो 12 वन जा 12 18 माइनस 12 हो गया 6 6 0 60 12 5 जा 60 तो 13 इंटू 55 आएगा। हाँ
195 कैसे आएगा? So 15 into 30 195. अरे नहीं, बहुत बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, 15 into 10 150 होता है, कितना हो रहा है, 195 है? Yes, सही कह रहे हो, 15 3 are 45, 15 1 are 15 और 4 hour 90 minute. Tan 195 degree आ गया. अब इस 195 degree की value कैसे find out करें? सबसे पहले तो इसको उसमें convert करिए, 195 क्या हो जाएगा, 90 into 2 plus 90 into 2 क्या हो गया 180 और plus 15 degree. तो एक तो ये हो गया. यहाँ से मैं क्या देखूंगा कि 10 90 into 2, जब 90 into 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस. ये 2 है इवन नंबर, इवन नंबर मतलब 10 का 10 ही रहेगा, तो ये हो गया 10. और फिर लास्ट में 15 degree एज आ गया. अब क्या करो, अब वही काम करो जैसे साइन 15 में करा था. तो यहाँ लिखो tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. और 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा, tan ए माइनस 10 बी. तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan ए 10 बी. तो 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री, ये हो गया. tan 45 डिग्री इज 1 और tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इज 1 और tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3. ठीक है, अब जैसे एलसीएम लेंगे तो रूट 3 इंटू 1 क्या हो गया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3. और रूट 3 इंटू 1 यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी रूट 3 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी रूट 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया. अब क्या होगा कि मेरे पास ये आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. देखिए वैसे तो जनरली हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में छोड़ी जा सकती है. जैसे हमें मालूम है कि tan 30 डिग्री क्या होता है, वन अपॉन रूट 3. साइन 45 क्या होता है, वन अपॉन रूट 2. तो वहाँ पर तो हम छोड़ रहे हैं ना रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसे करा जा सकता है चाहो, या कहीं पर प्रूव करने के लिए दे रखा हो तो फिर आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, रूट 3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई. ठीक है, ये करने के बाद अगला देखते हैं. समझ में आ गया बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13, इसमें प्रूव कर रहे हैं. प्रूव कर रहे हैं साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई. चलिए जी, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेकर चलेंगे, वो इस वजह से, उसका रीजन है. आप ये देखिए साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है मेरे पास, ऐसे डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, तो मैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ. ठीक है, तो आप ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई. तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई
अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये है। अब आप यहां पर देखें, मुझे न्यूमरेटर में चाहिए tan x plus tan y। देखिए tan x कैसे मिलेगा, tan x कैसे मिलेगा कि अगर मैं sin x को cos x से डिवाइड कर दूं तो tan x मिल जाएगा, लेकिन फिर ये cos y परेशान कर रहा है तो आप इसको cos y से डिवाइड करोगे। मतलब अगर मैं इस टर्म को cos x cos y से डिवाइड कर दूं तो sin x upon cos x तो बन जाएगा tan x, और cos y से cos y कट जाएगा। एक तो ये, फिर आप क्या करो cos x cos y से, आपने यहाँ पर क्या करा cos x cos y से इसको डिवाइड करा, तो cos x cos y से इसको भी करो, तो cos x से cos x कट गया, sin y upon cos y क्या हो जाएगा tan y। तो क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, हमको न्यूमरेटर को करना है तो डिनोमिनेटर को भी करना है, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझ गए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x cos y से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ लिखिएगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos x cos y, दोनों को cos x cos y से ऊपर नीचे आप डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा sin x। जब डिवाइड होगा ना तो हर एक टर्म ऊपर भी, न्यूमरेटर का भी हर एक टर्म डिवाइड होगा cos x cos y से, और डिनोमिनेटर का भी हर एक टर्म, तो sin x cos y अपॉन cos x cos y आ गया, प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y, ये आ जाएगा अपॉन में, अपॉन में sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। cos y से cos y कट गया, cos x से cos x कट गया, फिर वही cos y से cos y कट गया, cos x से cos x कट गया, तो क्या बन गया यहाँ पर sin x upon cos x, क्या बन गया tan x plus tan y, denominator में sin x upon cos x tan x minus tan y, tan x plus tan y upon tan x minus tan y, ठीक है, is equal to RHS, ये प्रूव हो गया, समझ गए, ठीक है। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 14। और जब मैंने लास्ट टाइम कराया था तब भी बताया था कि एग्जांपल नंबर 14 ना एक अलग तरीके से होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग तरीके से लेकर चलेंगे, देखिए कैसे करना है। या एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं बस पानी पी लूँ। जो दे रखा है ना इस क्वेश्चन को, ना तो LHS लेकर चलो ना RHS लेकर चलो, tan 3x is equal to लिखो tan 2x plus x, और फिर उसको एक्सपेंड कर दो और फिर देखना हो जाएगा। tan 3x is equal to लिखिए tan 2x plus x, और फिर tan 2x plus x में tan a plus b का फॉर्मूला लगा दो, जैसे साइन टू एक्स टाइप की है, टू साइन
की टर्म्स में, टैन टू एक्स ये भी टेन एक्स की टर्म्स में, इन तीनों को मार्क कर लो, ये अलग है स्पेशल फॉर्म में। हाँ डबल एंगल वाले साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स और टेन टू एक्स, अगर तीनों को टेन की टर्म्स में निकालता हूँ तो ये तीन फॉर्म में। अब जैसे ये लिखा है ना टेन टू एक्स प्लस एक्स, तो इसमें टू एक्स क्या हो गया ए और दूसरा एक्स क्या हो गया बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और फिर आपको बस रीअरेंज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इसको इंपॉर्टेंट इसीलिए मार्क करवाया था कि ना तो यहाँ पर एल एच एस लेकर चलना है ना यहाँ आर एच एस लेकर चलना है, यहाँ बस टेन थ्री एक्स को एक्सपेंड करना है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 14 है, मैं लिख देता हूँ एक बार। हाँ ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, एग्जाम्पल 14 में है प्रूव दैट tan 3x tan 2x tan x, tan 3x into tan 2x into tan x, tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 3x minus tan 2x माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, राइट हैंड साइड लेकर चलोगे तो भी हो जाओगे, और है बिल्कुल आसान सा तरीका इसका। इसका प्रूफ देखिएगा आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस एक्स, ज़्यादातर बच्चों ने कभी लिया होगा, तो इधर टेन थ्री एक्स लिखा रहने दो, और tan 2x plus x है जैसे, तो इसको tan a plus b के फॉर्मूला आप लगाइए, एक्सपेंड करिए, तो क्या हो जाएगा tan a plus tan b, tan 2x plus tan x upon 1 minus tan 2x into tan x, हो गया। अब इसके बाद बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा tan 3x into 1 minus tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x, expand करिए, tan 3x into 1 क्या हो जाएगा tan 3x minus tan 3x into tan 2x tan x, ये क्या हो जाएगा tan 3x tan 2x और tan x is equal to tan 2x plus tan x, ये हो गया। अब क्या करिए, इसको इधर ले आइए, tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to minus tan 3x tan 2x और tan x, ये है, इसको उस तरफ ले जाओ आप राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा tan 3x tan 2x और tan x, tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to tan 3x tan 2x tan x, ये यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 के साथ ही एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 22 ये करना है। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये बता कर
ये आपने कर लिया, ये कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 22 क्या करो कि ये जो एग्जांपल नंबर 14 है ना, आप लोग एनसीईआरटी जो लेकर आए हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 14 के ही बराबर में यहीं पर, जैसे ये एग्जांपल नंबर 14 यहां पर मेंशन कर रखा है, तो एग्जांपल नंबर 14 के बराबर में आप लिखो क्वेश्चन नंबर 22, वहीं बराबर में लिखो क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 3.3। मतलब जब आप ये रिवाइज करेंगे तो इसको करते ही आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी रिवाइज करना है, नहीं तो 22 आपको नए सिरे से करना पड़ेगा और फिर वहाँ कन्फ्यूजन होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रूव दैट cot x cot 2x cot x cot 2x cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 2x cot 3x or minus cot 3x cot x minus cot 3x cot x is equal to 1। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। इसका प्रूफ देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, प्रोसीड एज इन एग्जांपल 14। तो एग्जांपल 14 पहले अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको पहले ये चीज तो प्रूफ करनी ही करनी है, पहले आपको ये चीज प्रूफ करनी है और ये चीज प्रूफ करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रोसीड एज इन एग्जांपल 14 मैं बिल्कुल लास्ट स्टेप में आ रहा हूं इसके, यहां तक हम ये प्रूफ कर चुके हैं ना। तो यहां लिखिएगा कि tan 3x माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स। ये है राइट हैंड साइड में पूरा एक टर्म है, जब सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसको हम एक सिंगल टर्म मानते हैं। तो इस पूरी की पूरी सिंगल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक। या उस काम को अगले स्टेप में कर लेना, आप ऐसे लिखिए tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x अपॉन tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ गए ऑनलाइन वाले, बताएं भाई यहां तक समझ गए? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद जो ये हमने प्रूव कर रखा है इसको तो मैं मिटा रहा हूँ और उसको भी मिटा रहा हूँ। स्प्लिट कर दो, कैसे करेंगे, tan 3x अपॉन ये पूरा टर्म tan 3x tan 2x और tan x। tan 2x अपॉन tan 3x tan 2x और tan x माइनस tan x upon tan 3x tan 2x tan x is equal to 1। ये हो गया, यहां देखिए tan 3x से tan 3x कट गया, इधर tan 2x से tan 2x कट गया और इधर tan x से tan x कट गया। इसके बाद क्या होगा ये आप देख पा रहे हैं भाई, 1 upon tan 2x है, इसको क्या बोल देंगे, cot 2x, ठीक है। तो ये क्या हुआ cot 2x
वन अपॉन टेन एक्स है, इसको क्या बोलेंगे, cot x, cot 2x into cot x, ठीक। वन अपॉन टेन 3x क्या हो जाएगा, cot 3x, cot 3x, और वन अपॉन टेन एक्स है ये क्या हो जाएगा, cot x, ठीक। इसी तरह से वन अपॉन टेन 3x क्या हो जाएगा, cot 3x, और वन अपॉन टेन 2x क्या हो जाएगा, cot 2x is equal to 1। बताइए जी, यही प्रूफ करना था। फिर वही है 0172 करके। प्रूफ यही चीज हमको प्रूफ करनी है, समझ गए। चलिए ये हो गया। इसके बाद में 15 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 15। ये एग्जांपल 14 के साथ में ही आपको साथ में ही करना है रिवाइज, क्वेश्चन नंबर 22 नोट कर लिया होगा, फिर उसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 देखिएगा, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट cos pi by 4 plus x cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x plus cos pi by 4 minus x is equal to root 2 cos x। अब हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर cos a plus b वाला फॉर्मूला लगाएं, एक्सपेंड कर दें, इधर cos a minus b का फॉर्मूला लगाएं, एक्सपेंड कर दें, वो भी ठीक है। एक मुझे थोड़ा आसान तरीका नज़र आ रहा है, क्या cos c plus cos d, तो क्या करेंगे 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, ठीक। ये लगाइए सीधा, LHS is equal to 2 cos c plus d by 2, तो c plus d by 2 मतलब pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x upon 2। ये करना क्यों आया दिमाग में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि pi by 4 plus x है, pi by 4 minus x है, जब ऐड करेंगे तब भी कुछ ना कुछ कटना ज़रूर है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कुछ ना कुछ कटना ज़रूर है, तो एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा, तो इसमें अलग और इसमें अलग फार्मूला क्यों लगाऊँ, लंबा होगा, हालांकि कटेंगे वो भी, पर हमारा एक स्टेप बच रहा है इसमें। 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो c minus d by 2 क्या हो गया, pi by 4 plus x, और minus d by 2 तो minus pi by 4 और minus minus plus x upon 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ plus x से minus x कट गया, यहाँ पर plus pi by 4 से minus pi by 4 कट गया, is equal to 2 cos pi by 4 plus pi by 4 क्या होता है, 2 pi by 4 मतलब pi by 2, denominator में 2 था, तो denominator को आप ऊपर तो rational number आ रहा है 2 pi by 4, लेकिन denominator में rational नहीं था तो उसको rational बनाया, 2 upon 1 कर लिया, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कैंसिल आउट यहाँ पर हो गया, अब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 कॉस 2 पाई इंटू 1 मतलब 2 पाई और 4 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो केवल पाई बाई 4 बचा और इधर कॉस एक्स बचा, ठीक। अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ इस तरफ, तो 2 और cos pi by 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 upon root 2, 1 upon under root 2 multiplied by cos x। अब ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है root 2 का स्क्वायर, तो 1 root 2 से 1 root 2 कट गया, तो क्या बचा, root 2 cos x is equal to RHS, ये कर रहा है मेरे को प्रूफ, बताइए जी क्लियर। ये एग्जांपल, हाँ जी बताइए,
इसमें टू कॉस ए और कॉस बी तो फिर उसका फायदा क्या होगा, समझ गए? हाँ, मतलब हमने cos c plus cos d लगाकर ही 2 cos a cos b बनाया, ठीक? तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है जी, चले आगे। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 16 भी इसी तरह से होगा। cos c plus cos d, denominator में sin c minus sin d, कर लीजिएगा। ऐसे ही अगला देखिएगा, example 17, prove that sin 5x minus 2 sin 3x और plus sin x upon cos 5x minus cos x। इसमें क्या करना है कि sin 5x और plus का sin x जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसको पहले करना, क्योंकि sin 5x plus sin x है, तो इसका मतलब sin c plus sin d अगर लगाऊंगा तो 5x plus x by 2 3x बन जाएगा, तो 3x पावर लिया जा सकता है। 16, 17 अपने आप करो, 3.3 करिए ट्राई, ठीक है? जो भी डाउट्स आए अगली बार मेरे से पूछना, ठीक है? तो डाउट्स आप पूछिएगा, और बीच में मैं क्या करूंगा अभी, हाँ, और सभी बच्चों को एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए मेरे घर में एक फंक्शन है, तो मैं 13, 14 ये दो दिन में ही हूँ, 13 का संडे है, 14 का मंडे है, तो दो दिन नहीं हूँ, और 19, 20 और 21 ये तीन दिन नहीं हूँ, समझ रहे हैं? 19 का सैटरडे है, 20 का संडे है और 21 का मंडे, तो ये पांच दिन बचा कर रखना कि इन दिनों में कोई डाउट ना पूछो। उसके अलावा अगर किसी को कोई सेपरेट डाउट भी पूछने हो तो फर्स्ट हाफ में, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, नाइट में, जब चाहें तब आकर पूछ सकते, जो भी डाउट, ठीक है? चलिए जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी बताइए। अच्छा, डीपीएस जी में हो गया? यस सर। हाँ, पता चल गया मेरे को 21 से, ठीक है? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना आप। सर, कॉनिक और प्रोबेबिलिटी करवा दीजिएगा तब तक। कॉनिक और प्रोबेबिलिटी, कॉनिक का मिसलेनियस बचा था। हाँ, कॉनिक का मिसलेनियस बचा हुआ था, प्रोबेबिलिटी पूरा ही बचा हुआ है, वो करवा दूंगा, ठीक है? चलिए जी, ओके ओके।